इधर पत्थल गांव में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 22 विद्यार्थी आज बासी भोजन करने से फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। विद्यालय में इन बच्चों को लगातार उल्टी दस्त होने से इनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और पीड़ित बच्चों को पत्थल गांव सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वही विधायक गोमती साई और SDM ने पीड़ितों से मुलाकात कर डॉक्टर को तत्काल बेहतर इलाज के निर्देश दिए। विधायक गोमती साई का कहना है कि पीड़ित बच्चों की सघन देखरेख की जा रही है। इधर स्कूल प्रबंधन विद्यालय ने बासी भोजन कराने की बात पर चुप्पी साध रखा है, लेकिन SDM ने मामले की जांच कर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। विद्यालय के बच्चे जो हमारे हॉस्टल में रहते हैं, उनमें से कुछ 22 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। उन्हें 2 दिन से लूज मोशन की शिकायत थी। बच्चे अभी सभी खतरे के बाहर हैं और कलेक्टर सर से अनुमति ले ली है। जैसे बच्चे स्टेबल हो जाते हैं, सभी को उनके घर भेज दिया जाएगा। ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। और क्यों हुआ ये हम जाँच करते हैं। जांच के बाद अगर कुछ बातें निकलती है तो फिर कलेक्टर सर को आगे प्रस्तावित करेंगे। सभी बच्चे अभी स्वस्थ हैं, स्टेबल हैं, वाइटल सभी स्टेबल हैं, अभी स्वस्थ हैं। अभी आगे के लिए हम उनको ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं, डिहाइड्रेशन को करेक्ट कर रहे हैं। अभी 22 बच्चे हैं जी, नहीं सभी स्वस्थ हैं। अभी के हिसाब से वाइटल सभी स्टेबल हैं उनके, और बाकी जो पानी की कमी है उनको हम लोग दवाइयों के माध्यम से ठीक कर रहे हैं। देखिए अभी मैं सभी बच्चों के साथ मिली, मैं तो पहले की अपेक्षा अभी तो ठीक लग रहा है, ऐसा उनका कहना है। और 22 बच्चे हैं और हम लोग सतत इनके देख रेख में हम लोग हैं, और यहाँ का जो उनके लिए उपयुक्त अच्छा से अच्छा मतलब इलाज हो ऐसा हम लोग करेंगे।